हेलो गाइस, हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन। आप लोग होली खेलने वाले हैं तो भाई प्लीज बी सेफ, अच्छे से होली खेलिए। केमिकल कलर वगैरह का यूज ना करें, गुलाल वगैरह यूज कर लें और जो पानी वगैरह है वो भी कम यूज करें, यूज ही मत करो यार, इको फ्रेंडली होली खेलो। तो ये सब जो कुछ बातें थी ज्ञान की वो मेरी तरफ से थी, अब आप लोग वही करेंगे जो आप लोगों को करना है। तो वंस अगेन हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन। और आप में से कई लोग हो जो नए हो तो आप लोग मेरी होली भी अच्छी कर सकते हैं। नीचे एक फ्री सब्सक्रिप्शन बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आपको दबाना है और ताकि जो मेरी होली है वो भी अच्छी हो और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल स्टेडिया के बारे में। एक्चुअली अभी GDC चल रहा है, GDC 2019 गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर जो बड़े बड़े गेमर्स और जो भी बड़े बड़े कंसोल्स गेम्स वगैरह जो हैं वो एक टाइप का मेला लगा हुआ होता है। इसके अंदर नए नए टेक्नोलॉजी के गेम्स कंसोल वगैरह रिलीज होते हैं। तो उसी के साथ जो पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वही बड़ी धमाकेदार है, क्योंकि जो पहली न्यूज़ है वो गूगल की तरफ से निकल के आ रही है। उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना गूगल स्टेडिया। तो गूगल स्टेडिया क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और मुझे सपोर्ट करना है नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के, और फ्री सब्सक्रिप्शन ले लेना है सब्सक्राइब का बटन दबा के, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप रेगुलर बेसिस पर देखते रहें। तो गूगल स्टेडिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गूगल स्टेडिया एक्चुअली एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं ऑनलाइन। आज के टाइम पे क्या होता है कि जो हाई ग्राफिकल गेम्स होते हैं, जैसे कोई भी बड़ा सा गेम हो, उसके लिए आपको जो कंसोल होता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो या फिर आपका पर्सनल PC हो, कुछ भी हो। तो उसमें आपको एक से डेढ़ लाख रुपए तक का आपको गेमिंग सेटअप वगैरह बनाना पड़ता है, तब आप जाके इतने हाई एंड गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि गूगल स्टेडिया इसका एक हेल्पफुल वे है, आपको ऐसे हाई परफॉर्मेंस गेम जो है वो आप बिना इतने ग्राफिक कार्ड और हाई ग्राफिकल हार्डवेयर के बिना आप खेल सकते हैं, तो आप क्या भरोसा करेंगे। एक्चुअली गूगल स्टेडिया का जो मेन काम यही है, उनका मेन काम ये है कि वो जो है डेटा सेंटर्स जो है गूगल के, उसके थ्रू स्ट्रीमिंग के थ्रू वो गेम आपको आपके स्क्रीन तक लेकर आएंगे, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, तो आप उसके स्ट्रीम के थ्रू जो है वो गेम खेल सकते हैं। अगर मैं आपके लिए आपको बेसिक सा एग्जाम्पल दूँ, तो बेसिक सा एग्जाम्पल ये है कि आप जैसे यूट्यूब पे Assassin's Creed का जो है ट्रेलर देख रहे हैं और ट्रेलर देखते देखते लास्ट में लिखा आता है कि लास्ट में अगर लिखा आ जाए कि प्ले नाउ, तो आप डायरेक्टली उस लिंक को टैप करके गेम को जो है वो खेल सकते हैं। आपके पास कोई भी डिवाइस हो, कोई भी फ़ोन हो, आप उसमें डायरेक्टली खेल सकते हैं। तो जो गूगल स्टेडिया है वो उसका काम यही है कि ऑनलाइन जो है वो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करा रहा है आपको विदाउट एनी हार्डवेयर, लाइक आपके पास बड़े हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो जो है ये गूगल स्टेडिया का मेन पर्पस यही है, लेकिन इसकी जो एक सबसे बड़ी मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो कम से कम 25 से 30 MBPS का होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि जो 25 to 30 MB का अगर आपके पास इंटरनेट होगा, आप तभी स्ट्रीम कर सकते हो और डिफरेंट डिवाइसेस में स्विच कर सकते हो। अब स्विचिंग की कैपेबिलिटी ये इस तरीके से है कि अगर आपके पास, अगर आप जो गेम खेल रहे हैं वो आप किसी PC में खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि वही गेम आप अपने फ़ोन में स्विच करें, तो आप तुरंत के तुरंत स्विच कर सकते हैं। आपने जहाँ पे गेम PC में छोड़ा है, आप वो गेम अपने फ़ोन या TV में खेल सकते हैं। तो इस तरीके की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है वो गूगल स्टेडिया आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। अब गूगल स्टेडिया ने जो है एक रिमोट कंट्रोलर भी लॉन्च किया है, व्हाइट और ब्लू ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो ये कंट्रोलर है वो थोड़ा स्पेशल है, ये दिखने में एक्सबॉक्स के कंट्रोलर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का एक बटन मिल जाएगा जिसमें आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं गूगल असिस्टेंट से, कि अगर आप गेम में कहीं अटक जाते हैं या फिर अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप वो गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। और एक और बटन है स्क्रीन कैप्चर का, उस स्क्रीन कैप्चर से ये है कि आप उस जैसे उस बटन को दबाएंगे तो आपकी जो भी आप डेटा स्ट्रीम कर रहे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि गूगल स्टेडिया जो है वो यूट्यूब के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है, तो आप उस गेमिंग खेलते हुए अपने यूट्यूब
को यूज कर सकते हैं गूगल स्टेडिया में। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके लॉन्चिंग की, तो अभी जो ये लॉन्च अभी इंडिया में फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो इसको इंडिया में भी लॉन्च कर देंगे। यूके, यूरोप और अमेरिका, यूएस वगैरह में ये लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो इंडिया में है अभी इसकी लॉन्चिंग के टाइम नहीं है, क्योंकि जो इसका इंटरनेट स्पीड है वो 25-30 मेगापिक्सल है। आपके घर में अगर ऑप्टिक फाइबर है तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो इसमें असैसिन क्रीड डूम करके जो एक गेम है वो जो इनबिल्ट इसमें उन्होंने दे के रखा है, और अनरियल और यूनिटी करके जो ब्रांड है गेम वगैरह डेवलप करती है वो इनके साथ टाइप कर लिया है, पार्टनरशिप बन चुके हैं गूगल स्टेडिया के साथ, जो इनके गेम जो बना रहे हैं इन लोगों के लिए स्टीम के लिए, वो ये लोग जो पार्टनरशिप में है वो लोग अवेलेबल कराने वाले हैं गूगल स्टेडिया के लिए। अगर मैं बात करता हूँ AMD सपोर्ट की, तो इसमें कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हार्डवेयर को, अपने हार्डवेयर मतलब जो डेटा सेंटर पे हार्डवेयर है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो डेटा सेंटर से कनेक्ट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जब क्लाउड यूज करते हो तो क्लाउड में क्या होता है कि आप जब भी कोई डेटा स्ट्रीम करते हो तो आप डायरेक्ट क्लाउड से उठाते हो, या फिर यूट्यूब की बात कर ले, अगर आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब का जो सारा कंटेंट होता है वो गूगल के डेटा सेंटर पे होता है, आप वहां से फेच करते हो। उसी तरह जो ये गेम है, आप कोई भी गेम अगर खेलेंगे तो वो आप ऑनलाइन फेच करने वाले हैं एक गूगल के डेटा सेंटर से, और वो आप ऑनलाइन खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी जो गूगल स्टेडिया है उसने अभी गेमिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचा दी है, क्योंकि उसने ओपन चैलेंज दे के रखा है एक्सबॉक्स और PC जो गेमिंग्स होते हैं और PS4 जो है उसको ओपन चैलेंज दे दिया है, क्योंकि ये जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अपनी डबल बता रहा है इन सारे कंसोल से। लेकिन जो इसका मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, अभी जो बड़े बड़े गेमर्स इसको उन्होंने इसको खेलना स्टार्ट किया है, तो वो भी ऐसा कह रहे हैं कि जो एक्सबॉक्स और PS का जो स्टैंडर्ड था उससे ज़्यादा हाई लेवल का स्टैंडर्ड इस गूगल स्टेडिया ने साबित करके दिखा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही इसी के बारे में बताने वाला था, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।